जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा चौकी के देवारी गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी और तीन बेटियों की मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना के दो दिन बाद पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए बलौदा स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। भाई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मार को ही भेंट हुआ रही से और सोमार के वाला बिलासपुर ले जा रहे हैं और सोमार के ओकर चेक करा के वाला वापस भेजे रहे में है आ यहाँ आके अपन रही से ओकर साला वाला छोड़ के फिर अपन ऊ घर चल दिस और रात के एक घटना हुए है सोमार के रात के है ओकर बाद बुधवार के पता चले है एसीजी हो रही से एसीजी में रिपोर्ट नॉर्मल बता रही से और नॉर्मल ओकर दवाई लिख के दिए रही से कर फिर बता रही से 10 दिन के गोली लिख के भेजे रही से 10 दिन के बाद फिर बुला रही से तुम्हारे साथ घर से ओकर मानसिक स्थिति कैसा रही था नॉर्मल रही से बातचीत अच्छा करत रही से हां नॉर्मल बातचीत करत रही ये घटना दिनांक 31 जुलाई 2023 की है। ग्राम देवरी चौकी पंतोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा की घटना है। आरोपी का नाम देशराज कश्यप है जो 46 साल का है, देवरी का रहने वाला है। 2 अगस्त 2023 को गांव के सरपंच का बेटा रात को फ़ोन करके चौकी पंतोरा में सूचना दिया कि देशराज कश्यप के घर में उसकी बीवी और तीन बच्चे मरे पड़े हुए हैं और उनकी हत्या देशराज कश्यप ने ही किया है, जिसकी सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की और आरोपी के विरुद्ध इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।